केंद्र तथा राज्य सरकारों ने देश में लागू लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में एक महिला पुलिसकर्मी ने कार्रवाई के नाम पर मजदूर के माथे पर लिख दिया कि मुझसे दूर रहो। कलम से मजदूर के माथे पर लिखते हुए महिला सब इंस्पेक्टर की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें दिख रहा है कि वो इस युवक के माथे पर लिख रही है। भूख और प्यास से परेशान मजदूर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके पैदल ही अपने गांव की तरफ निकल रहे हैं। वहीं पुलिस की तरफ से मजदूरों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। हाल ही में महिला सब इंस्पेक्टर की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वह मजदूर के माथे पर लिख रही है कि मैंने लॉकडाउन तोड़ा है, मुझसे दूर रहो। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक यह घटना छतरपुर के गोरीहार इलाके में हुई है, लेकिन अब इस मामले में सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है। जिले के SP कुमार सौरभ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ऐसा व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में कानून के मुताबिक आरोपी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान किसी को भी गैर जरूरी घर से निकलने की मनाही है। गैर जरूरी घर से निकल रहे लोगों पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। हालांकि कई जगहों पर पुलिस द्वारा लोगों पर लाठी बरसाए जाने की खबरें भी आई हैं, लेकिन लॉकडाउन तोड़ने वाले के माथे पर इस तरह से लिखे जाने की यह पहली घटना सामने आई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कई देशों ने इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अपने यहाँ लॉकडाउन का ऐलान किया है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जीवन रक्षक वस्तुओं की सप्लाई को बंद नहीं किया गया है। इस बीच यूपी बिहार के कई मजदूर दिल्ली तथा अन्य राज्यों से वापस राज्य में लौटने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से लॉकडाउन के दौरान कई जगहों पर भीड़ भी देखने को मिल रही है। इस बीच प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने PMO यानी प्रधानमंत्री कार्यालय में एक आपात बैठक भी बुलाई। इस बैठक में कोरोना से उपजे हालातों पर चर्चा की गई है। ऐसी उम्मीद है कि इस मीटिंग में कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर अगली रणनीति भी तैयार की जाएगी। फिलहाल अब सभी राज्यों के बॉर्डर को पूरी तरह से सील करने के आदेश दे दिए गए हैं। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। Patreon एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पेट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पेट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पेट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पेट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।